दुष्यंत चौटाला को लेकर जिस तरह से संजय राउत ने जवाब दिया है उस पर अब दुष्यंत चौटाला का भी जवाब सामने आ गया है और ऐसे बयान से कद नहीं बढ़ेगा, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिता जेल में हो, और उसी पर पलटवार यहां पर दुष्यंत चौटाला का, जहां पर कहा है कि मेरे परिवार को घसीटो मत और ऐसा कहने से आपका कोई कद नहीं बढ़ जाएगा। तो दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है, राउत को पता है कि दुष्यंत कौन है और बातचीत से हल निकाला जाए। तो जिस तरह की उठापटक महाराष्ट्र में चल रही है और उसी को लेकर बीजेपी को जिस तरह से चेतावनी संजय राउत के जरिए दी गई है, उसमें एक बयान यहां पर कोट किया गया कि महाराष्ट्र में कोशिश न करे, जोड़ तोड़ की राजनीति यहां पर न करे, और इसी को लेकर जिक्र यहां पर दुष्यंत चौटाला का किया गया संजय राउत के जरिए, जहां पर कहा गया कि हमारे पास विकल्प बहुत हैं, हमें हमारे महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत चौटाला नहीं है जिसके चलते आप अपनी सरकार बना ले, और उसी को लेकर यहां पर दुष्यंत चौटाला ने अब संजय राउत को जवाब दे दिया है और कहा है कि ऐसा बोलने से आपका कद नहीं बढ़ेगा और आप मेरे परिवार को इसमें ना घसीटे। इसके साथ उन्होंने कहा है कि संजय राउत को पता है कि दुष्यंत कौन है और बातचीत कीजिए, बातचीत से हल निकलेगा। तो जिस तरह से हरियाणा का जिक्र करते हुए तंज यहां पर कसा गया है अपने बयान में बीजेपी को संजय राउत के जरिए, उस पर दुष्यंत चौटाला का जिक्र किया गया कि हमारे पास विकल्प कई हैं, हमारे यहां महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत चौटाला नहीं जिसके पिता जेल में हो, और उसी पर जवाब अब दुष्यंत चौटाला का संजय राउत को। संजय राउत जी को दुष्यंत चौटाला तो पता है कौन है, और मेरे पिताजी जेल में आज से नहीं, पिछले 6 साल में संजय राउत जी ने कभी उनके हालचाल के बारे में नहीं पूछा, और ना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपनी सजा का टेन्योर पूरा करने से पहले आएंगे। एक पिता के लिए खुशी की बात होती है, त्योहार का दिन भी था और एक खुशी का पर्व भी था। मैं संजय जी को कहूँगा कि इस तरह के बयान की वो जो बात करते हैं उससे कोई उनका कद बढ़ता नहीं है। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से चल रही है, हमारे पार्टी का गठन हुए तो 11 महीने हुए, और 11 महीने के सफर के अंदर हमें बारी बारी किसी को धोखा देकर, किसी से लड़ाई लड़कर या इस प्रकार से आगे पीछे हटकर दर्रा धमकाकर आगे बढ़ने की मंशा नहीं है। ईमानदार राजनीति को आगे लेकर चल रहे हैं, और ईमानदार राजनीति के तहत जैसे 11 महीने में हमने काम किया है, आगामी 5 साल भी प्रदेश के हित के लिए उसी तरीके से।